आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है मधुमक्खियों से संबंधित सही कथनों को चुने। तो चलिए देख लेते हैं पहले कथन को। इसमें दिया गया है रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियां निषेचित अंडों से विकसित होती हैं और लैंगिक रूप से मादाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सत्य है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। जो मादा होती है स्टूडेंट्स, या फिर हम लिख लेते हैं रानी मक्खी। रानी मक्खी का मुख्य कार्य जो है यह जनन करना होता है। तो यह अंडाणु उत्पन्न करती है या अंडे उत्पन्न करती है, तो लिख लेते हैं यह अंडे उत्पन्न करती हैं। और स्टूडेंट्स नर जो है ये क्या करता है, ये शुक्राणु उत्पन्न करता है, या नर को कहा जाता है ड्रोन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ड्रोन या नर, तो यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स शुक्राणु और अंडे के संलयन से, या फिर हम कह सकते हैं निषेचन से क्या होता है, मादा उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स निषेचित अंडा होगा यह। तो निषेचित अंडा जो है यह क्या होता है स्टूडेंट्स, यह मादा उत्पन्न करेगी आगे आगे की ओर लार्वा उत्पन्न होती है। और लार्वा जो है ये क्या होती है स्टूडेंट्स, यदि इसे रॉयल जेली खिलाई जाती है, रॉयल जेली द्वारा इसका पोषण होता है, तो यह परिवर्तित हो जाती है। लार्वा जो है यह रानी मक्खी या रानी मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है स्टूडेंट्स। इसके जो जननांग है विकसित हो जाते हैं। यदि इसे बी ब्रेड के द्वारा भोजन जो है प्राप्त होता है, या मधु रोटी के द्वारा भोजन प्राप्त होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं मधु रोटी द्वारा केवल भोजन प्राप्त हो रहा है, इसे रॉयल जेली नहीं मिलती है लार्वा को, तो ये बन जाती है स्टूडेंट्स श्रमिक। तो लिख लेते हैं ये क्या होंगी, ये होती हैं श्रमिक मक्खियां। इनके जो जननांग होते हैं अंडाशय जो है ये विकसित नहीं होते हैं, तो ये श्रमिक मक्खियां बन जाती है। परंतु स्टूडेंट्स ये दोनों ही क्या होती है, ये जेनेटिकली या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होती है, ये दोनों ही मादा होती है। एक तो होती है उर्वर मादा, तो रॉयल जेली जिसने खाई होती है तो वह रानी मक्खी बनती है, और यह होती है उर्वर मादा। तो लिख लेते हैं यह तो उर्वर मादा है, जबकि श्रमिक मक्खियां जो है ये क्या होती हैं, ये होती हैं स्टूडेंट्स बंध्य मादा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह है बंध्य मादा। तो और आगे की ओर बात करें, अनिषेचित अंडे जो है निषेचन के बिना जो है, तो लिख लेते हैं अनिषेक जनन। तो यहां हम लिखेंगे अनिषेक जनन होता है, जो अंडे निषेचित हुए बिना ही सीधा नर को उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात नर का निर्माण जो है यह पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम मधु रोटी की बात करें यहाँ पर, तो मधु रोटी जो है यह पोलन ग्रेन या परागकण और मकरंद, या फिर हम कह सकते हैं शहद से मिलकर बना एक खाद्य पदार्थ होता है। तो यहाँ पर दिया गया है रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियां निषेचित अंडों से विकसित होती है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ये निषेचित अंडों से विकसित होती है, लैंगिक रूप से मादाएं होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स मादा ही है, परंतु जो श्रमिक मक्खियां हैं ये बंध्य होती हैं, और रानी मक्खी जो है उर्वर होती है, अर्थात बच्चे उत्पन्न कर सकती है, जनन कर सकती है। तो हमारा ये जो कथन दिया गया है पहला, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया गया है नर या ड्रोन्स पार्थेनो जेनेटिकली अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही है, नर जो है ये कैसे उत्पन्न होते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा दूसरा कथन भी सत्य है, सही है स्टूडेंट्स। और हमारे पास तीसरा कथन दिया गया है रानी मक्खी का पोषण रॉयल जेली से होता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। तथा श्रमिक मधुमक्खियां या श्रमिक मक्खियां जो है मधु रोटी से भोजन लेती हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा तीसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है, तीनों ही कथन जो है ये सही है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है पहला और दूसरा, तो तीसरा भी सत्य है स्टूडेंट, सही है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी है, इसमें दूसरे तीसरे को सही बताया गया है, तो पहला हमारा कथन भी सत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी है, पहले और तीसरे को सही बताया गया है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी में पहले दूसरे और तीसरे तीनों को सही बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।